गुड मॉर्निंग बच्चों, मेटलर्जी टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेशन के बाद एक मेटल का डीइलेक्ट्रोनेशन कैसे करते हैं। अब तक बेटा आपने ओर के बेनिफैक्शन को सीखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस को पढ़ा जिसके अंदर हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में जाना। और रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर ही बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक ये देखा कि कई बार हमारे पास कुछ ऐसे ओर होते हैं जो इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस के बाद या इतने ज्यादा टेम्परेचर में हीट करने के बाद भी उनमें इंप्योरिटीज बची रह जाती हैं। जैसे लास्ट वीडियो में बेटा हमने कॉपर पाइरिडीज का एग्जांपल लिया था, ये CuFeS2 के केस में हमने देखा था कि रोस्टिंग के बाद भी यहां पर आयरन के ऑक्साइड इंप्योरिटीज के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। और रोस्टिंग वाले वीडियो में ही बेटा आपने ये बात सीखा कि जो हमारे पास इस टाइप के वेस्ट होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस मिलाते हैं, वो स्पेशल सब्सटेंस इनको फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं, और फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट होने के बाद हम प्योर मेटल गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो स्लैग होता है एक तो बेटा वो मेटल से हल्का होता है तो इजिली मेटल के ऊपर फ्लोट कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है तो बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं उसी फ्यूजिबल स्लैग और उसको बनाने वाले फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो फ्लक्स के डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं बेटा, डेफिनेशन इसकी सीखते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स सिंपली मीन्स बेटा फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच केमिकली कंबाइन विद गैंग पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस फ्यूजिबल स्लैग। यानी ये जो फ्लक्स होते हैं बेटा, ये फ्लक्स क्या करते हैं, गैंग के साथ, वो गैंग बच्चों जो कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद भी इवेपोरेट नहीं हुए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद भी वो गैंग, वो अर्थी वेस्ट पार्टिकल्स जो कि प्योर ओर में अवेलेबल रह गए, तो उनको बेटा अगर हम फ्लक्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उनमें अगर हम ये फ्लक्स मिला देंगे तो फ्लक्स उनके साथ केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, केमिकली उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं बच्चों जिसका नाम होता है स्लैग। रोस्टिंग प्रोसेस में बेटा आपने देखा था कि यहां पर जो गैंग था वो FeO का बचा रह गया था और उसमें आपने एक फ्लक्स मिलाया, वो सिलिका था, दोनों की आपस में केमिकल रिएक्शन हुई और जो नई चीज बनी वो क्या थी, फेरस सिलिकेट, है ना। तो जो फेरस सिलिकेट था वो वहां पर वो क्या बोला जाएगा, स्लैग बोला जाएगा। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है। तो फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच केमिकली कंबाइन विद गैंग या अर्थी वेस्ट टू प्रोड्यूस स्लैग। तो इस स्लैग की बेटा कुछ एक स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, कुछ स्पेशल बातें होती हैं स्लैग में बेटा। एक तो बेटा आप इसको फ्यूजिबल बोलते हो, फ्यूजिबल का मतलब ये हो गया कि कम टेम्परेचर में, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर में ये आराम से मेल्ट हो जाता है बच्चों और हमें मिल जाता है मोल्टन फॉर्म में। दूसरी बात बेटा, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है मेटल के कंपेरिजन में, इसका जो वेट होता है वो मेटल के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये बेटा मेटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो उस वजह से पहली बात तो ये कि ये मेटल को आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन से भी बचाएगा, और जो कि बेटा ये ऊपर फ्लोट कर रहा है तो इसको बाहर निकालने में भी हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, आराम से हम इस स्लैग को बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो थोड़ा सा बातें करते हैं कि ये जो स्लैग को बनाने वाला फ्लक्स है ये कितने टाइप का होता है। फ्लक्स आपको समझ आ गया है कि फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच केमिकली कंबाइन विद गैंग पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस फ्यूजिबल स्लैग। क्लियर हो गया। ये जो फ्लक्स है बेटा इसको हमने दो टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट नंबर में आता है बेटा एसिडिक फ्लक्स, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दोनों टाइप के फ्लक्स बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं बच्चों एसिडिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब सपोज दैट बेटा आपके पास जो मेटल है उसका गैंग बेसिक नेचर का है और ये आपका बेसिक कंसेप्ट कहता है कि अगर हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराएं तो ये सिंपली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बड़ी आसानी से बेटा वो जो फ्लक्स होता है वो उस गैंग से रिएक्शन कर लेगा अगर इनके बीच के नेचर में अपोजिटनेस नहीं, दोनों का नेचर अगर अपोजिट हुआ तो, है ना। तो अगर मान
मान लीजिए बेटा आपके पास एक ऐसा मेटल है जिसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद भी कैल्सियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी रह गई, क्लियर है। मान लीजिए बेटा फेरस ऑक्साइड FeO की इंप्योरिटी रह गई, जैसा कि आपने कॉपर के प्यूरिफिकेशन मेथड पे देखा था, आपने बहुत अच्छे से रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवाने के बाद भी आप देख रहे हो, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद भी आप देख रहे हो कि मैंगनीज ऑक्साइड की इंप्योरिटी रह गई। तो ऐसे कंडीशन में बेटा इसमें हम एसिडिक फ्लक्स मिक्स कर देते हैं, और एसिडिक फ्लक्स मतलब वो फ्लक्स बेटा जिसका नेचर कैसा हो, एसिडिक हो, जैसे कि सिलिका। SiO2 का जो नेचर है बेटा वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इन बेसिक गैंग्स में बेटा हम ये एसिडिक फ्लक्स मिलाने वाले हैं, इन बेसिक इंप्योरिटीज में, बेसिक गैंग, बेसिक नेचर वाले गैंग्स में हम ये एसिडिक नेचर वाला फ्लक्स मिला रहे हैं, और हम देखेंगे कि आराम से फ्यूजिबल स्लैग बन जाएगा। जैसे यहां क्या बनेगा, कैल्सियम सिलिकेट CaSiO3। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं बेटा, यहां पर क्या बन जाएगा, फेरस सिलिकेट FeSiO3। इसी टाइप से बेटा यहां भी ये जो मैग्नीज है, यहां पर सिलिका आराम से इससे रिएक्शन करेगा क्योंकि इसका भी नेचर बेसिक है, है ना। तो इसका क्या नाम हो गया, मैग्नस सिलिकेट, दैट इज MnSiO3, मैग्नस सिलिकेट बन गया, है ना। तीनों बेटा देखो, CaO से बन गया कैल्सियम सिलिकेट, FeO से बन गया फेरस सिलिकेट, और MnO से बन गया मैग्नस सिलिकेट। ये केवल इसलिए पॉसिबल था क्योंकि यहां पर जो आपने फ्लक्स यूज किया है इसका नेचर एसिडिक है, और इस टाइप के फ्लक्स को बेटा हम एसिडिक फ्लक्स का नाम देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा ओर हो कि जिसकी इंप्योरिटीज ही एसिडिक नेचर की हो, आपने उस ओर को रोस्टिंग करवाया, कैल्सिनेशन करवाया, सारी प्रोसेस करवा के देख लिया, लेकिन उसमें से जो एसिडिक इंप्योरिटीज थी वो बाहर नहीं हुई। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं खुद सिलिका का, SiO2। बहुत सारी प्रोसेस आप देखोगे जहां पर सिलिका इंप्योरिटीज के फॉर्म में होता है। अब ये जो सिलिका है बेटा, ये जब एसिडिक नेचर का है तो जो फ्लक्स यहां पर हम मिलाने वाले हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो चलिए मिला देते हैं कैल्सियम का ऑक्साइड, आप सब जानते हो कैल्सियम एस ब्लॉक मेटल है, ये जो ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर बेसिक होगा, है ना। तो इस सिलिका के साथ ये कैल्सियम ऑक्साइड बेटा बेसिक फ्लक्स का काम करेगा, और देखिए एक बार फिर से बेटा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक तो बन गया CaSiO3, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। मान लीजिए बेटा आपके पास इस बार इंप्योरिटी के फॉर्म में एक बार फिर से सिलिका है, और आपने इस बार दोबारा ले लिया यहां पर FeO, ठीक है, तो यहां पर फिर से क्या बन गया, फेरस सिलिकेट। तो ये भी तो बेटा फेरस सिलिकेट भी यहां पर एक स्लैग के जैसा बिहेव करेगा, क्लियर हो गई बात। हां, लेकिन जो यहां पर बेटा हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, बेसिक, इसीलिए इसको हम बेसिक फ्लक्स बोलेंगे, क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बेटा नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की बातें फिर डिस्कस करते हैं। अब बच्चों, इस बेसिक फ्लक्स के केस में अगर मान लीजिए आपके पास एसिडिक गैंग पार्टिकल्स हैं, जैसे SiO2 का ही एग्जांपल मैं एक बार दोबारा लेना चाहूंगा, अगर इसी टाइप की एसिडिक इंप्योरिटीज हैं तो इनमें आप बेसिक फ्लक्स के फॉर्म में कैल्सियम कार्बोनेट टाइप के भी कंपाउंड मिला सकते हो। तो देखो एक बार फिर से बेटा आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहां पर फिर से एक बार मिलेगा कैल्सियम सिलिकेट, दैट इज CaSiO3, और साथ में बेटा CO2 गैस जनरेट हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो ये भी बेटा एक तरह से यहां बेसिक फ्लक्स का ही एग्जांपल माना जाएगा, ये जो कैल्सियम कार्बोनेट है बेटा ये भी बेसिक फ्लक्स है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको कि अगर आपने जज किया कि जो मेटल में गैंग पार्टिकल अभी भी रिमेनिंग है, जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड कोर में अभी भी गैंग पार्टिकल रह गया है उसका नेचर एसिडिक है, तो हमें फ्लक्स बेसिक यूज करना होगा। और अगर मान लीजिए हमने कोर की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया, हमें पता चला इसके अंदर जो इंप्योरिटीज रिमेनिंग है उसका खुद का नेचर बेसिक है, तो वहां पर हम एसिडिक फ्लक्स को यूज करते हैं। मतलब गैंग और फ्लक्स जो है बेटा ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्लियर हो गया सभी को। तो बच्चों, फ्लक्स की स्टडी के बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। मतलब मेटल ऑक्साइड तो हमने बना दिया, लेकिन इस मेटल के ऑक्साइड से हम फ्री मेटल कैसे बनाएं? ओबियस सी बात है बेटा, उस मेटल ऑक्साइड को रिमूव करना होगा, यानी जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं।
और रिडक्शन का ही, मेटल के रिडक्शन को ही बेटा, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन को ही एक और नाम आप देते हो, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेशन। जब आपने मेटल का ऑक्साइड बनाया था तो उसको आपने डी इलेक्ट्रोनेशन नाम दिया था, और अब उस मेटल से आपको ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो उसका नाम बेटा हम डी इलेक्ट्रोनेशन देते हैं, इलेक्ट्रोनेशन देते हैं सॉरी। तो अब बिल्कुल ध्यान से बेटा समझना है, देखो ऐसा है बेटा, एक मेटल का जो इलेक्ट्रोनेशन है उसको करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज है बेटा कि हमारे पास कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, जब मेटल का ऑक्साइड बन गया, आपके पास एमोटा टाइप का सपोज दैट कोई कंपाउंड है, अब इससे आपको ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है, तो इसको रिमूव करवाने के लिए तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट इस मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करे, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके इस ऑक्सीजन को रिमूव करे और प्योर मेटल बना दे, है ना। तो जो बेस्ट तरीका है वो तो यही है बेटा कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट एक मेटल का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखो मेरी बात को समझना, आपके पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्सियम है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इन रिएक्टिव मेटल जो बेटा खुद ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो अपने आप में सेल्फ बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट तो बेटा हमें मिलने से रहा, मेरी बात को समझिएगा, जो बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं लाइक मैग्नीशियम, कैल्सियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, इन मेटल्स में खुद ही बेटा रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, ये किसी अदर एलिमेंट को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो खुद रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है बेटा, वहां पर कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे सक्सेस हो सकता है, कैसे उसको रिड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गया सभी को? तो अगर बेटा हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्सियम, एल्यूमिनियम जैसे एक्टिव एलिमेंट हैं, तो उनके इलेक्ट्रोनेशन के लिए या उनके रिडक्शन के लिए बेटा हम केवल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका केवल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही बेटा रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिडक्शन होता है बेटा उनका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, विदाउट इलेक्ट्रो रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वहां बेटा हमें प्योर मेटल गेन करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास MgO है, CaO है, Al2O3 है, तो इन मेटल्स से ऑक्सीजन को रिमूव करवा पाना बहुत मुश्किल होता है, आसान है केवल बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा हम जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में करेंगे, वो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक मींस हम अभी पहले थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू करेंगे, इसके बाद बेटा मैं आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी समझाऊंगा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मेथड ही ऐसा मेथड है कि जहां से बेटा हम एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को रिमूव कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रोनेशन करवा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन बेटा हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो मॉडरेटली एक्टिव हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, है ना, मैंगनीज हो गया, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो मॉडरेटली एक्टिव हैं। और इन मॉडरेटली एक्टिव के मेटल्स के रिडक्शन के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है। पहली बात क्या कि एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो इनसे कहीं ज्यादा एक्टिव मेटल हो, या नॉन मेटल है तो उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी बेटा इनसे ज्यादा हो, तो बहुत आसानी से इनको इनके ऑक्साइड से रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब इनके ऑक्साइड से रिड्यूस करवाना इनको आसान है अगर हमें सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए। और कई बार बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के होने के बाद भी, जो सेकेंड पॉइंट मैं बोल रहा हूं, टेम्परेचर मायने रखता है, कई बार तो बेटा इन मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करवाना ही काफी आसान होता है, लेकिन कई बार बेटा इनको रिड्यूस करवाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन की भी जरूरत होती है। तो सिंपली मेरी बात को समझिएगा बच्चों, सपोज दैट आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल का सपोज दैट जो फॉर्मूला है दैट इज MXOY, अब इसकी मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया, मान लीजिए बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ सी से मैंने रिएक्शन करवाया, ये जो C है कार्बन में मान रहा हूं, यहां जो C है बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन सपोज दैट इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है, तो इसने X मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल बना दिए और Y मॉलिक्यूल्स ऑफ बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहां इस MXOY के लिए ये जो कार्बन है ये सुटेबल
रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गई बात बेटा? ये जो सारी प्रोसेस हम करते हैं, मतलब कि एक रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लेके टेम्परेचर की मदद से एक मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके प्योर मेटल को बनाना, बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या थर्मोडायनेमिक मेटलर्जी के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, ये बातें हम पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के अंदर। क्लियर हो गया सभी को? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में हमें सीखना है। आ जाइए थोड़ा सा बातें करते हैं। जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है बेटा, इसको हम सिंगल एक वर्ड में पाइरोमेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो पाइरोमेटलर्जी को और सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे कि पाइरोमेटलर्जी इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। या ऐसा बोलो आप बेटा कि व्हेन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर नोन एज पाइरोमेटलर्जी। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल ध्यान से एक बार दोबारा डेफिनेशन को आपको समझना है कि व्हेन अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर नोन एज पाइरोमेटलर्जी। क्लियर हो गया सभी को? आ गया समझ में पाइरोमेटलर्जी क्या होती है? तो पाइरोमेटलर्जी को समझने के लिए बेटा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में जानेंगे, थर्मोडायनेमिक से कैसे बेटा ये मेटलर्जी कंसर्न है, कैसे ये रिलेटेड है, कैसे हम पाइरोमेटलर्जी को कंडक्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।